हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो वीडियो को आधा अधूरा देख के आप कभी रेसिपी पूरी नहीं अच्छे से बना पाएंगे। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं भुट्टे की खीर। सो मैंने यहाँ लिया है एक कटोरी भुट्टे के दाने, ये देसी भुट्टे के दाने हैं, स्वीट कॉर्न नहीं लेना है यहाँ पर आपको, और इसको दरदरा पीस लेना है इस तरीके से। अभी भुट्टे का सीज़न है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ इस तरीके से पीस के इसको साइड में रख देंगे। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी। ये घी है शुद्ध देसी गाय का घी, और इसको अच्छा गरम करना है हमें। और गरम करने के बाद उसमें हम भुट्टे का पेस्ट सेकेंगे। सो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, ऊपर इस तरीके से आप बड़े मुंह की छन्नी लगा दें और जो पेस्ट है उसको इस तरीके से आपको छानना है। इससे क्या होगा गाइस, जो छिलके हैं भुट्टे के वो साइड में निकल जाएंगे और मुंह में नहीं आएंगे। इस तरीके से आप चम्मच की सहायता से कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को एकदम सिम पे कर दें ताकि जब तक आप पेस्ट इसमें डालें वो चिपके नहीं। सारे छिलके साइड में निकाल देंगे और उसके बाद गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको सेकना है। मीडियम फ्लेम पे सेकें, इस तरीके से हिलाते रहें, क्योंकि थोड़ा ये ट्रिकी है, चिपकता है, इसीलिए आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा। और अगर घी आपको ज़्यादा लगे तो आप बीच में कभी भी एक्स्ट्रा घी को निकाल सकते हैं और उसके बाद फिर से ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि जो भुट्टे का पेस्ट है वो तले पे ना चिपके। बहुत ही क्रीमी रेसिपी बनने वाली है, और इसमें जो दूध हम इस्तेमाल करेंगे उसको आप अच्छे से गर्म कर लें साइड पे, ताकि जब इसमें ऐड करें तो ये लंपी नहीं हो जाए। दूध को अच्छा गर्म करके रखें खीर बनाने से पहले। और मुझे यहाँ थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं इसको साइड पर निकाल दूंगी और फिर से हम इसको बाद में ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहें तो नया भी निकालें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लगभग 5 से 7 मिनट सेकने के बाद गाइस जो भुट्टे का है पेस्ट वो इस तरीके से हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ऐड करना है ताकि हम इसको अच्छे से मिक्स कर पाए और जो खीर है हमारी वो बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बने। सो मैंने यहाँ लिया है शुद्ध देसी गाय का दूध। दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 लीटर, और ये 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है खीर। इस तरीके से प्रेस करते जाएं और अच्छे से इसको मिला लें ताकि जो थोड़े लम्स जो बड़े हैं, क्योंकि चिकना थोड़ा होता है ना भुट्टे का पेस्ट, तो थोड़े से लम्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करें ताकि जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी हो जाएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है। चलाते रहें कंटिन्यूसली और साइड्स जो है वो आप स्क्रैच करते रहें ताकि साइड्स पे ना चिपके। अच्छा सा टेक्सचर आ गया है, बहुत ही अच्छा। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी शक्कर मिला के इसको खा सकते हैं, पर हम खीर बना रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्सचर इसका हमें लूज़ करना है। सो दूध सारा ऐड कर देंगे इसमें और इसको उबलने देना है हमें अगले 2 से 3 मिनट के लिए। कंटिन्यूसली इसको थोड़ा हल्के हाथों से चलाते रहें, फटाफट फटाफट ना करें। और अगर आपको लम्स लग रहे हैं तो गोल कटोरी वाला जो चम्मच होता है वो ले लें और उसको उल्टा चलाएं ताकि जो उसका तला है वो लगता रहे, तो जो लम्स होंगे थोड़े बहुत वो भी इस तरीके से निकल जाएंगे।
अच्छे से उबाले आने लग गए गाइस, और जो टेक्सचर है वो फिर से क्रीमी हो गया है बहुत ही जल्दी। लगभग 10 से 15 मिनट में हमारी ये जो पूरी रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। गर्मा गर्म इसको आप खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज में भी रख के ठंडा ठंडा इंजॉय कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट और इसको हमें चलाना है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से हमारी खीर बन गई है। अगर आपको थिक पसंद है तो भी आप इसको अच्छे से उबालिए, ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आ जाएगा। घी जो है वो पूरा साइड्स पे निकल के आ गया है, देख सकते हो आप। अगर आपको भुट्टे से रिलेटेड और भी रेसिपीज चाहिए तो गाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, मैंने डाली हुई है। और कोशिश करूँगी कि आपको जितना हो सके भुट्टे से बनने वाली यूनिक रेसिपीज़ अपलोड करके हेल्प कर सकूँ आप लोगों की। क्रीमी एकदम हमारी खीर शुद्ध देसी गाय के दूध से और घी से बनी हुई। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अभी शक्कर डालना बाकी है। ये क्रीमी टेक्सचर हो गया है, अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। मैं यहाँ पे आधी कटोरी शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप बराबर 1 कटोरी डाल सकते हैं, आधी कटोरी इनफ होता है गाइस, बहुत ही टेस्टी बनती है उससे भी। और शक्कर डालने के बाद इसको हमें 2 मिनट के लिए और कुक करना है, क्योंकि शक्कर डालने के बाद शक्कर पिघलती है तो टेक्सचर थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो 2 मिनट हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और चलाते रहें कंटिन्यू, ताकि ये तले पे ना चिपके। ड्राई फ्रूट्स के साथ गर्मा गर्म इसको सर्व करें, और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।